जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन को रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर जो है खोल देते हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स, तो इसका फिर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू सेकंड एक्स कॉट एक्स, तो ये हमने इसका स्क्वायर खोल दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हर एक के साथ इंटीग्रेशन अलग से लगा देते हैं, कि सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मैं अलग से लगा देता हूँ प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मैं अलग से लगा देता हूँ प्लस टू कॉन्स्टेंट जिसमें बार लिख के आगे सीकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन जो है मैं अलग से ले लेता हूँ। सिंपली मैंने ये प्रोसेस कर दिया। अब मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास 10x होती है, तो सिंपली मैं यहाँ पर डायरेक्ट 10x इसकी इंटीग्रेशन लगा देता हूँ प्लस। अब मैं इसको ले सकता हूँ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स है हमारे पास, मैं कॉट स्क्वायर एक्स है, इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स नेगेटिव 1 डी एक्स के, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल होता है, तो हमने यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली है प्लस। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हम फार्मूले के बेस पर सॉल्व होते हैं। और सेकंड एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस एक्स, और कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, और ये हमारे पास डी एक्स है। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, 1 ओवर साइन एक्स हमारे पास इक्वल होता है, तो ये 10x प्लस इसकी इंटीग्रेशन फिर से अलग से ले लें कि ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स नेगेटिव 1 की इंटीग्रेशन फिर अलग से उसके बाद 2 है, और ये 1 ओवर साइन एक्स किसके इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है 1 ओवर साइन एक्स, तो सिंपली मैंने ये लगा दिया। अब उसके बाद देखें ये कोसेकेंट स्क्वायर है, तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास मैंने इसे कॉट होती है, तो 10x नेगेटिव कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास नेगेटिव कॉट एक्स होती है, और नेगेटिव इसकी 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स होगी, उसके बाद प्लस 2 है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। अब क्या होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर नहीं था बल्कि ये कोसेकेंड था, तो कोसेकेंड की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी जो है कांस्टेंट है। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें कि 10x नेगेटिव कॉट एक्स नेगेटिव 2 नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका भी हमने रिड्यूसिंग करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम इसके स्क्वायर को जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, फिर हम स्क्वायर जो है खो देते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स नेगेटिव 2 कोसेकेंड एक्स 10x, फिर हमने ये डी एक्स साथ में लगा दिया, और उसके बाद क्या करते हैं कि हर एक के साथ इंटीग्रेशन अलग से लगा देते हैं, तो ये कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मैंने अलग से लगा दी, उसके बाद फिर मैंने 10x की इंटीग्रेशन जो है अलग से लगा देता हूँ कि 10 स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो है अलग से लगा दिया है मैंने। अब फिर मैं नेगेटिव 2 जो है वो कांस्टेंट है उसे मैं बाहर लिखता हूँ, फिर मैं 10 कोसेकेंड एक्स 10x की इंटीग्रेशन लिखता हूँ, फिर मैंने यहाँ डी एक्स लगा दिया। अब देखें यहाँ से कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सेकंड स्क्वायर एक्स नेगेटिव 1, तो सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 10x होती है, फिर नेगेटिव 1 की इजी हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तक नहीं होती। सेकंड स्क्वायर एक्स नेगेटिव 1 इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ डी एक्स नेगेटिव 2, तो इसे मैं फिर लिख सकता हूँ कि कोसेकेंड एक्स को मैं लिख सकता हूँ कि 1 ओवर साइन एक्स मल्टीप्लाई बी 10x को मैं लिख सकता हूँ कि इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के, तो यहाँ साइन एक्स कैंसिल कर दें, और ये फिर यहाँ से लिखें कि कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स नेगेटिव डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन अलग से ले लें, फिर नेगेटिव 1 की इंटीग्रेशन अलग से ले लें कि ये 1 डी एक्स है नेगेटिव 2, और 1 ओवर कॉस एक्स किसके इक्वल होता है सेकेंड एक्स के, तो यहाँ सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन अलग से लगा दें। अब सब की इंटीग्रेशन के पीछे फार्मूला लगा कर सॉल्व कर दें, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है नेगेटिव कॉट एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है 10x, नेगेटिव 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x नेगेटिव 2 दिया गया है, फिर सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस 10x प्लस सी, हमारा आंसर है बस सिंपल 45 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने इसे लिखते हैं कि ये को सीकेंड एक्स
तो ये साइन एक्स को मैं लिख देता हूँ कि साइन टू एक्स प्लस एक्स डी एक्स के, तो साइन टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एक फार्मूला बनता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी हो तो वो इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के इक्वल होता है। ये फार्मूला हमने यहाँ लगा देना है। अब ये फार्मूला एडिशनल फार्मूलाज हैं, जिसे हम एडिशनल फार्मूलाज कहते हैं। तो इसी फार्मूला के बेस हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखें, ये कोसेकेंड एक्स, तो इसे मैं लिखूंगा कि साइन टू एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स साइन एक्स। तो इसे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, फार्मूला जो है मैंने ओपन कर दिया है इसका। तो इसी के मुताबिक तो आगे मैं इसे लिखता हूँ कि ये हमारे पास कोसेकेंट एक्स अंदर कोसेकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसे जब मैं कोसेकेंट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा कोसेकेंट एक्स साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स को मैं लिख देता हूँ टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये साइन टू एक्स का फार्मूला है, तो ये मैंने लगाया। फिर आगे कॉस एक्स, वैसे आगे प्लस फिर कॉस एक्स को कोसेकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये मैंने कोसेकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन एक्स कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स, फिर ये डी एक्स का मैंने वैसे लिख दिया। अब देखें आगे हमने यहाँ कोसेकेंट एक्स को मैं लिख देता हूँ वन ओवर साइन एक्स, क्योंकि ये कोसेकेंट एक्स का फार्मूला होता है। और टू डॉट साइन एक्स को मैं लिख देता हूँ वन ओवर, तो साइन एक्स को वन ओवर कोसेकेंट एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको साइन एक्स ही लिख दें। तो ये साइन एक्स और ये फिर हमारे पास ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको मैं लिख देता हूँ कि कोसेकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन ओवर साइन एक्स, फिर इसको मैं साइन एक्स को वैसे लिख देता हूँ, और फिर ये हमारे पास कॉस टू एक्स डी एक्स है। अब देखें तो ये साइन एक्स कैंसिल करते हैं, और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाता है। अब ये टू है, टू कॉस स्क्वायर एक्स है, और उसके बाद प्लस कॉस टू एक्स यहाँ से बचेगा, तो मैंने इसे कॉस टू एक्स लिख दिया है। अब आगे इसे सॉल्व करता हूँ मैं। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है रिड्यूसिंग पावर वाला फार्मूला, कि वो इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होगा वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू। यहाँ से हम कॉस हमें वैल्यू चाहिए टू कॉस एक्स की, तो टू को यहाँ लिख दें टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू एक्स। तो यह वन प्लस कॉस टू एक्स यहाँ डायरेक्ट पुट कर दें कि वन वन टू कॉस स्क्वायर इक्वल है वन प्लस कॉस टू एक्स के प्लस ये कॉस टू एक्स, और ये साथ में डी एस, डी एस आएगा क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन की अलामत हमने यूज़ कर रखी है। तो उसके बाद वन प्लस कॉस टू एक्स एक ही है, तो ये दो कॉस टू एक्स बन जाएंगे हमारे पास। अब सिंपली इनकी अलग से इंटीग्रेशन ले लें, तो वन की इंटीग्रेशन मैं अलग से ले लेता हूँ प्लस टू कॉन्स्टेंट से बाहर लिखता हूँ, कॉस टू एक्स की इंटीग्रेशन मैं अलग से ले लेता हूँ। तो देखें हमारे पास वन की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स प्लस टू, और कॉस टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास साइन टू एक्स। अब देखें फिर कॉस को इग्नोर करके टू एक्स का मैं इनर डेरिवेटिव लूँगा, टू एक्स का इनर डेरिवेटिव क्या होगा फिर वन ओवर टू के, टू से टू कैंसिल कर दें तो प्लस सी, तो एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस सी जो है ये हमारे पास आंसर है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है, इसे कुछ हमारे पास एक फार्मूला होता है एडिशनल वाला कि साइन ए माइनस बी हो हमारे पास वो इक्वल होगा साइन ए कॉस बी के, अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉस ए साइन बी के इक्वल होगा। तो ये इसी फार्मूले के बेस पे ये दिया गया है हमें, तो इसकी हमने ये फॉर्म लिखनी है। तो ये देखें साइन वाला फार्मूला दे साइन, तो ये हमारे पास बनेगा साइन ए माइनस बी, तो थ्री एक्स नेगेटिव टू एक्स। अब जबकि हम इस फार्मूले को इसके मुताबिक जब हम खोलेंगे तो ये आंसर आएगा, तो यही चीज़ ये दी गई है। तो सिंपली हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया है, तो यहाँ से अब इसे मज़ीद सॉल्व करने, तो ये साइन थ्री एक्स में से टू एक्स सेपरेट करेंगे तो एक्स डी एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास सिंपल है अब मैग्नेट कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर है। यानी कि इस होल इक्वेशन को हमने एडिशनल फार्मूले के मुताबिक उसको रिड्यूस कर दिया है साइन थ्री एस नेगेटिव टू एस, जबकि हम इसका एडिशनल फार्मूले के मुताबिक जब हम साइन थ्री एस नेगेटिव टू एस को खोलेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आंसर है।